राशिद, राशिद अब खालों ने तो सारे खिलौने छीन लिए। अगर राशिद थप्पड़ पड़ेगा जोर से। अब क्या हुआ फरजाना, स्कूल से जान से थप्पड़ की बात कर रही हो? तो आप ही खिला लीजिए ना इसे, प्यार से लीजिए। अरे क्या हो गया, इतनी छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा बखेड़ा बना रही हो तुम। छोटी बातें, घर का सारा काम ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, अब तक आपका खाना तक नहीं बनाया मैंने। तो बाहर से खा लूंगा, कुछ मंगवा लूंगा, तुम दिमाग खाना बंद करो। क्यों ना खाओ दिमाग, एक छोटा सा काम कहा था आपसे कि उस कौसर की जगह किसी और को ले आइए काम करने के लिए, क्या किया आपने? कुछ नहीं। अरे तो कोई आसमान से थोड़ी टपकेगी तुम्हारे लिए, कोशिश कर रहा हूँ ना। कर रहे हो, बशीर क्यों फोन कर रहा है अभी? हाँ बशीर बोलो। अशफाक भाई कौशल कहाँ है, बात करो आप उससे। मेरी दिमाग सठिया गया क्या बशीर? मुझे इस तरह के भद्दे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मजाक? मैं परेशान हूँ, कौशल कहाँ है? आप ही ने तो कहा था कि खुद उसे यहाँ लेकर रियाजपुर आने वाले हैं। अबे भांग वांग तो नहीं पी रखी है तूने? 3 जून को मैंने कौशल को यहाँ से बस में बैठाया था। और ईद के एक दिन पहले वो रियाजपुर पहुंच गई थी। अब आप मजाक कर रहे हैं अशफाक भाई, कौसर यहाँ पहुंची ही नहीं है, आप तो खुद उसे यहाँ लेकर आने वाले थे, फिर उसे अकेले बस में कैसे बैठा दिया आपने? देख बशीर, ये चलाकी किसी और के साथ करना समझा? तूने खुद मुझे बोला था कि कौसर की टिकट कटा के उसे बस में बैठा दूं, और तू रियाजपुर के बस स्टॉप पर उसे उतार लेगा। चलाकी आप कर रहे हो, खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हो। कहाँ है कौसर? कौसर अंसारी, उम्र 12 साल 2 महीने, घर काम करने वाली बाल मजदूर। कहां थी ये लड़की? कौसर 4 जून को रमजान के बाद जोधपुर से रियाजपुर पहुंचने वाली थी अपने घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए, पर वो अपने घर पहुंची ही नहीं। कौसर अंसारी की कहानी दिल को झकझोर देने वाली दास्तां है, एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा जो देश के कई हिस्सों में कई लड़कियों के साथ आए दिन होता आया है और इस वक्त भी हो रहा है। यास्मीन, मैं जोधपुर निकल रहा हूँ। लेकिन क्यों? अशफाक भाई ने कहा था कि वो खुद ही कौसर को छोड़ जाएंगे। वो नहीं आ सकते, कुछ काम निकल आया है उनका, मुझे ही जाना पड़ेगा। सुनो, कुछ पैसे हैं क्या? देखती हूँ, 300 है। ठीक है। सुनो, हाँ कौसर ठीक तो है ना? ईद पर भी नहीं आई, अशफाक भाई ने तो कहा था कि ईद पर उसे भेज देंगे। यास्मीन मैं अभी निकलता हूँ, वहाँ पहुँच कर फोन करूंगा। बस अब यही बाकी रह गया, वो बशीर आकर यहाँ अपना रोना रहे। अरे जो कर रहा है करने दो साले, एक नंबर का लालची इंसान। अगर ज्यादा नौटंकी करी ना उसने, सीधा पुलिस में दूंगा उसे। चलो मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है, शाम को मिलता हूँ। सलाम वालेकुम मंजू बहन। वालेकुम अस्सलाम। लतीफ भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो राजकोट गए काम से। सब खैरियत है ना? अब परेशान लग रहे हैं। अब क्या बताऊं, वो अशफाक भाई कह रहे हैं कि उन्होंने कौसर को 3 जून को ही गाड़ी में बिठा दिया था। वो घर नहीं पहुंची अभी तक, ऐसे कैसे बच्चे को अकेले भेज दिया? वही तो लतीफ भाई से बात करनी है, ये अशफाक में आके आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। अशफाक भाई, इससे पहले बशीर यहाँ धमक जाए, हम पुलिस को पहले ही बता देते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्या डरता हूँ उससे। आने दो, उसे साथ लेकर थाने चलते हैं, उसके बाद आमने सामने बैठकर सारा मैटर ही क्लियर करते हैं। झूठ बोल रहा है ये साहब, हमारी कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कौशल को अकेले भेज दो। इन्होंने खुद से कहा था कि कौशल को लेकर हमारे घर रियाजपुर छोड़ देंगे। एक मिनट,
अकेला क्यों रहे? तो क्या करूं साहब, सिर्फ 12 साल की बच्ची है मेरी। पहले मुझे एक बात समझाओ भाई, कौसर को वहां रियासपुर गुजरात से यहाँ जोधपुर इनके यहाँ काम करने तुमने भेजा था? हाँ साहब, 8 महीने पहले भेजा था। क्या करूं साहब, गरीबी मजबूरी, महीने के आखिरी में बच्चों को पानी पिलाकर सुला रहा था, तो मैंने सोचा कि कम से कम कौसर को तो भरपेट खाना मिलेगा, साथ में पैसे भी। इनके साथ कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? हमारे मोहल्ले में कॉन्ट्रैक्टर है लतीफ भाई, मैं और मेरी बीबी यास्मीन दिहाड़ी मजदूर हैं साहब, खेतों में काम करते हैं। मेरी बेटी कौसर और छोटा बेटा फरीद रियाजपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। लतीफ भाई खुद सामने से आए थे ये कहकर कि कौसर के लिए काम। अरे बशीर जी। लतीफ भाई, ऐसा है, जोधपुर की ना एक पार्टी है, 3 साल का उनका बच्चा है, उस बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें कोई चाहिए, तुम्हारी कौसर जैसी, क्या बोलते हो? लेकिन लतीफ भाई, कौसर तो खुद अभी बच्ची है। बशीर शरीफ लोग हैं, यूं ही मुलाकात हुई तो जिक्र निकला, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, आराम रहेगा। महीने के 15,000 तक देने को तैयार हैं। 15,000? हाँ 15,000, दो ईद की छुट्टियाँ और बोनस वोनस अलग से। लेकिन लतीफ भाई, कौसर की अम्मी यास्मीन कभी नहीं मानेगी। बशीर जिंदगी में ऐसे मौके सभी को नहीं मिलते हैं, और फिर देख यहाँ है क्या, कुछ भी नहीं है, कम से कम तो उस आमदनी से अपने बच्चे फरीद को और अच्छे ढंग से पढ़ा पाएगा, है ना? तुम दोनों अच्छे से खा पी पाओगे, सुकून की जिंदगी गुजारोगे, देख ले 15,000 रुपये कम नहीं होते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं नहीं जाने दूंगी कौसर। अरे वो भी जोधपुर, इतनी दूर, बच्ची है अभी वो। अरे वो सब ठीक है, लेकिन कौसर उतनी छोटी भी नहीं, 12 साल की है। अच्छा एक बात बता, जब फरीद 3 साल का था और हम दोनों बाहर काम करने जाते थे तो उसे कौन संभालता था? कौसर ही ना। वो बात अलग है, मैं कौसर को नहीं भेजूंगी। सोच यास्मीन, 15,000 मिलेंगे, इस पैसे से हम क्या कर सकते हैं, फरीद को आगे भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा एक बात बता, हम दोनों मिलकर कितना कमा लेते हैं? और कौसर का क्या? हाँ वो अभी से काम करेगी, उसकी पढ़ाई का क्या? अरे नहीं, वो लतीफ भाई ने कहा है, वो जो अशफाक भाई है ना, वो कौसर को रात के स्कूल में दाखिला करवा देंगे, और सुन पढ़ाई का सारा खर्चा भी वही उठाएंगे। मेरा दिल नहीं मान रहा। देखो यास्मीन, कौसर को तो अपनी जिंदगी संभालनी है, तो अभी से क्यों नहीं? और वैसे हम लोग भी जो जिंदगी जी रहे हैं उसे जिंदगी थोड़े ना कहते हैं। देखो अल्लाह ने एक मौका दिया है, हम जज्बाती होकर उसे गवा नहीं सकते, मान जाओ यास्मीन, मान जाओ। अबू मैं नहीं जाऊंगी, आप आ जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। तू चुप कर फरीद, एक उनका 3 साल का बेटा है राशिद, वो भी फरीद जैसा ही है। पर फरीद तो नहीं है ना अबू। वहाँ अच्छे से रहेगी, इससे सबका अच्छा होगा। मुझे दूर भेजकर आपको अच्छा लगेगा? अच्छा इस बात का लगेगा कि जो हम दोनों तुझे कभी नहीं दे सकेंगे वो तुझे वहाँ मिलेगा, और तुम्हें भी अच्छा लगना चाहिए कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे अम्मी अबू और छोटे भाई फरीद की जिंदगी बेहतर होगी। देख अब तू बच्ची नहीं रही, घर की तरफ तेरी जिम्मेदारी है, अगर तू सचमुच हमसे प्यार करती है ना तो कभी ना नहीं बोलेगी। ना कहना आपा, कहोगी ना ना, वो लोग सिर्फ तुमसे काम करवाएंगे, तुम्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगेगा, रोना आएगा, तुम्हें हमेशा हमारी याद आएगी और हमें तुम्हारी। मत जाना, मैं कह दे रहा हूँ। चलो बच्ची तो ना समझ है, लेकिन तुम्हें बेअक्ल होने की जरूरत नहीं है, वो तो लतीफ भाई हम लोगों के हमदर्द हैं, इसलिए एक दिन का समय और दिया है मुझे, अब हम और देर नहीं कर सकते हैं, समझी? अरे मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? सुन रही, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। दिल होता ही है पत्थर रखने के लिए, तुम मना कर रही हो इसलिए बच्ची भी नानुकूल कर रही है।
समझाओ उसे कि महीने के 15,000 क्या होते हैं। किसी भी तरह मनाओ उसे, अगर हम लोगों ने ये मौका छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। पापा को मत लेके जाओ। देखो परी, चाहते वक्त तमाशा ना करो। पापा मत जाओ। फरीद घर जाओ। एक बात बताऊं को सर, अभी ऐसा मुंह लटकाए हुए है ना, तू देखती जा, जब तू ईद की छुट्टी पर घर वापस आएगी तो 2 ही दिन में अपने अब्बू से बोलेगी मुझे जोधपुर वापस जाना है। अरे वही तो कब से समझा रहा हूँ लतीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम फरजाना भाई। वालेकुम अस्सलाम लतीफ भाई। अब आइए ना, अंदर आइए। ये लो बशीर भाई, एडवांस है 2 महीने की तनख्वाह। क्या कहा था मैंने बशीर, शरीफ और दिलदार लोग हैं। राशिद ये ना कौसर आपा है, इन्हें हेलो बोलो। देखो ये ना तुम्हारे साथ बहुत सारा खेलने आई है, इन्हें हेलो बोलो। कौसर इसे अपने पास तो बुलाओ, वरना ये पास कैसे आएगा तुम्हारे। राशिद क्या वो कौसर 5वीं में है? हाँ बताया था लतीफ भाई ने। वो लतीफ भाई ने कहा था कि आप बच्ची को यहाँ स्कूल में डाल देंगे। हाँ बिल्कुल डालेंगे स्कूल में, आपकी बच्ची को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बशीर अशफाक भाई कौसर को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह रखेंगे, राशिद की देखभाल तो महज एक बहाना है समझ लो। एहसान मंद हूँ आपका अशफाक भाई। एक गरीब आदमी की बच्ची सिर्फ 12 साल की एक अमीर आदमी के घर में उसके छोटे बेटे की देखभाल के लिए काम पर रखी जाती है, यह हमारे देश के शहरों में आम है। आर्थिक कठिनाइयां न जाने कितने ही बच्चों को वक्त से पहले बड़ा होने पर मजबूर कर देती हैं। अशफाक और फरजाना करीमी के घर काम शुरू करने के बाद कौसर एक बार भी अपने घर नहीं गई थी, और अब 9 जून 2019 है, कौसर गायब है। कहां है कौसर? इन्होंने अपने घर में छुपा के रखा उसे, कोई बस बस में नहीं चढ़ाया। जब से कौसर गई है इनके घर एक बार भी नहीं भेजा मेरी बच्ची को। हाँ सर, इसकी बेटी कौसर मेरे यहाँ काम करती, बहुत खुश थी हमारे साथ, ये लोग भी बहुत खुश थे। पहले दिन ही इसे 2 महीने की पगार एडवांस में दे दी सर, सब कुछ सही चल रहा था। फिर पिछले हफ्ते इसका फोन आता है मेरे पास। ईद का चांद 2 दिन दूर है अशफाक भाई, आप लोगों ने तो कहा था कि ईद की छुट्टी मिलेगी हमारी कौसर को। हाँ बशीर मियां, मिल जाएगी छुट्टी,
ये बताओ कब आ रहे हो लेने कौसर को? अरे मैं कैसे आऊँ अशफाक भाई, वैसे भी ईद के कारण दो दिन की दिहाड़ी गंवानी पड़ेगी। देखो बशीर, इस समय हमारा भी काम काफी टाइट चल रहा है, तो एक काम करो, इस बारी कौसर को ही दिल्ली मनाने दो, ईद खत्म होने के बाद मैं उसे खुद आके गांव छोड़ जाऊँ। नहीं 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 नहीं, ईद तो हमारे साथ मनाएगी, वैसे भी कई महीने हो गए उसे देखे हुए। तो बशीर मियां तुम ही बताओ फिर कैसे किया जाए। एक काम करो अशफाक भाई, आप कौसर को जोधपुर से रात वाली बस में बिठा दो, सुबह तक वो रियाजपुर पहुंच जाएगी और मैं बस स्टैंड पर उसे लेने आ जाऊंगा। सर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एक 12 साल की बच्ची को अकेले बस में बैठा, पर कोई चारा नहीं था मेरे पास। कब भेजा? 3 जून की रात। जीजाजी के साथ मैं भी गया था। कौसर के हाथों मैंने बतौर ईदी खाने की चीजें और काफी सारे तोहफे भी भेजे थे उसके और उसके भाई फरीद के लिए। जब तक बस चल नहीं पड़ी मैं और कासिम वहां से हिले तक नहीं। ये देखिए सर, टिकट की कॉपी भी लाया हूं। ये फर्जी है साहब। हाँ ये फर्जी है, हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, सिर्फ एक तुम राजा हरिश्चंद्र हो। सर अगली सुबह 4 जून को सुबह चाय पीने से पहले मैंने से फोन किया। अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई। कौसर पहुंच गई ना ठीक ठाक? जी अभी अभी घर पहुंची है, बहुत खुश लग रही है बच्ची। आपने इतने सारे तोहफे भेजे, शुक्रिया अशफाक भाई। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है बशीर, कौसर हमारी भी बच्ची है। एक काम करो, उसे एक हफ्ता फरीद के साथ रहने दो, उसके बाद या तो तुम उसे यहाँ ले आना या मैं खुद आ जाऊंगा लेने के लिए। सर एक हफ्ते के बाद कौसर को यहाँ जोधपुर वापस लौटना था, पर देखिए हुआ क्या। 4 जून को ये आदमी ने मुझे कहा था कि कौसर सही सलामत इसके घर पहुंच गई है, तोहफों के लिए भी शुक्रिया कहा था, और उसके बाद 8 तारीख को फोन करता है और एक नया ड्रामा शुरू करता है कि कौसर कहाँ है। सर कौसर को बस में बैठाने के बाद अशफाक जीजाजी पूरे रास्ते भर परेशान थे कि कौसर सही सलामत अपने घर पहुंच जाए बस। ये अमीर है तो ये सोचते हैं कि ये जो बोलेंगे आप सच मानेंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है बशीर, और अगर इन लोगों को भी लगता है ऐसा तो इन लोगों की भी। तो फिर मेरी बात का भरोसा कीजिए साहब, मेरी बेटी गायब हुई है, पिछले 1 महीने से हर दूसरे दिन फोन कर रहा था इनको। देखिए अशफाक भाई ये बड़ी ज्यादती है, हम चाहते हैं कि कौसर घर आए, वो भी चाहती है कि हमारे पास आए, लेकिन आप लोग उसे छुट्टी नहीं दे रहे। अरे रमजान और ईद के समय इतने काम होते हैं यहाँ पर, कैसे दे दे उसे छुट्टी, अब ईद के बाद ही कुछ हो सकता है। और अशफाक इसके अब्बू को बता दो काम करने के लाए इसे, जो ये ठीक से कर नहीं रही है। मेरी शक्ल क्या देख रही हो, कौसर उसे खाना खिलाओ, क्या हो गया है तुम्हें राशिद, चुपचाप खाना खाओ, खाना खिलाओ उसे। मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, फिर मैंने 2 जून को फोन किया तो एकदम से मेरे ऊपर ही गरज पड़े। मैंने बोला ही नहीं कि कौसर को अकेले भेज दो। ये क्या कर रहे हैं आप? आप ही ने तो कहा था कि 1 जून को लेकर उसे खुद रियाजपुर आ रहे हैं, आज 2 जून हो गई, कहाँ है मेरी कौसर? तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं तेरी बेटी को चबा कर निकल गया हूँ। ऐसी भद्दी बातें ना करें आप, मैं कल अपनी बेटी को लेने जोधपुर आ रहा हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आज रात को रियाजपुर के लिए रवाना हो रहा हूँ, कल सुबह कौसर तेरे घर पे होगी, और उसके बाद कौसर कभी भी हमारे घर में कदम नहीं रखेगी। लेने के देने पड़ गए हैं। 2 तारीख गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जून तक रोज मैं दिन में 2-4 बार फोन करता रहा ही नहीं कि कब लेके आ रहे हैं कौसर को घर, पर ये हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देते। सर एक 12 साल की लड़की को अपने पास रखकर मैं क्या करता, मैं और फरजाना कौसर को बेटी जैसा प्यार करते थे, मगर इस झूठे मक्कार की बातें सुन के अब मुझे उसके लिए डर लगने लगा है। देखो बशीर ये टिकट असली है। होगा साहब, पर ये लोग नकली हैं। जब मैंने अपनी बच्ची को इनके हवाले किया था तो खुद आया था इनके दरवाजे तक छोड़ने, तो इन्हें भी ऐसा करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, बैठा दिया बच्ची को बस में रात में। अरे कौन बैठाता है ऐसे, एक तो 12 साल की ऊपर से बच्ची। सर एक बात तो तय है, 3 जून के पहले के बशीर और 4 जून के बाद के बशीर में जमीन आसमान का फर्क है। सर मैं आपको बता रहा हूं 4 जून को कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई। गड़बड़ तो शुरुआत से तुम थे, बस मैं नहीं समझ पाया। ये कहते हैं कि 4 जून की सुबह चाय के पहले मुझे फोन किया था कि कौसर घर पहुंची या नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं था साहब। अशफाक भाई हद है, मैं यहाँ सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, कौसर की अम्मी और भाई देखने को तरस गए उसको, और एक आप है जो उसको लेकर आ ही नहीं रहे यहाँ। सर इसका एक और शब्द सुनिए,
अपनी बेटी के नाम पर गेम खेल रहा है ये। साहब अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि इन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ कर दिया। फरजाना, फरजाना जी, ये कौसर अपना सामान कहाँ रखती थी? जी यहाँ। देखिए कुछ नहीं है वहां, दो जोड़ी कपड़े में आई थी वो लड़की और जाते वक्त सारा बैग कपड़ों से भरकर लेकर गई है। सारे कपड़े मैंने खरीद के दिए थे उसे, पैकिंग में भी मैंने हेल्प की थी। सर बाकी के कमरों में भी कुछ नहीं मिला। तो फिर मेरी बच्ची कहाँ है? अरे हमें क्या पता, तुमने कुछ किया होगा उसके साथ। सगा बाप हूँ, भूलिए मत। तो परेश ने ये कैसे कह दिया? क्या 4 जून को कौशल ठीक ठाक रियासपुर पहुंच गई थी? साहब मैंने कहा ही नहीं था। तुम दोनों में से कोई तो एक झूठ बोल, लेकिन फिक्र मत करो, सच तो हम बाहर निकाल ही लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी सबसे पहले उस बच्ची को तलाशना जरूरी है जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। मेरी बच्ची? हाँ तुम्हारी बच्ची, जिसे तुमने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाना चाहा। और आपके बच्चे की आया जो खुद एक बच्ची थी। एक बात याद रखो आप दोनों, हम इस मामले की तह तक जाएंगे और सच का पता लगा के रहेंगे, लेकिन सबसे पहले कौशल को ढूंढना जरूरी है। सच्चा कौन था और झूठा कौन था, इसका खुलासा बहुत जल्द होने जा रहा था। और सच सामने होने के बावजूद सवाल यही था कि कौशल कहां थी। क्या 3 जून की रात को अकेले बस में बैठने के बाद कौशल ने घर जाने का इरादा बदल दिया था, या क्या वो वाकई अपने घर पहुंची थी? इस केस की सच्चाई, कौशल की सच्चाई, कौशल की मानसिक हालत से जुड़ी थी जो कि अशफाक करीमी के घर में रहते हुए पैदा हुई थी। पर इस वक्त कौशल कहां थी? कौशल से बात कराइए मेरी। हाँ हाँ करवाता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी यहाँ कुछ चल रहा है। कुछ चल रहा है मतलब? सब ठीक तो है ना? कौशल है ना वहीं? आप मेरी उससे बात क्यों नहीं करवाते? सुनो अभी फोन रखता हूँ, बाद में करूंगा। कितना दूर है उसका घर? बस आने वाला होगा। लीजिए आ गया सूर्या। नमस्ते साहब। सूर्या, 3 जून को अहमदाबाद जाने वाली बस में तू कंडक्टर था? हाँ साहब, क्या हुआ? उस बस का जो ड्राइवर था वो कपिल है, अभी ड्यूटी पर है, जैसे ही आएगा मैं आपके पास भिजवा दूंगा उसे। अभी से ले जाता हूँ, चल सूर्या। हाँ साहब, चलो। अशोक भाई, रियाजपुर से लतीफ भाई आए। चलो शुक्र है, अब यही सच बता देंगे पुलिस को। क्या बवाल खड़ा करके गई है ये लड़की? मैं तो कहती हूँ। देखो फरजाना, तुम भड़कोगी नहीं, अब शांत रहोगी। वैसे मैं काफी परेशान हूँ, इस समय नहीं। लतीफ भाई। क्या लती भाई, आप तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। खुद आ गया हूँ ना। वो कौशल के बारे में सुना आपने? क्या हुआ? वो अशफाक भाई, क्या सोचा था क्या निकले, इतना बड़ा झूठा आदमी देखा नहीं मैंने। कौशल घर पहुंची ही नहीं और वो क्या क्या कहानियां बना रहे हैं। ऐसा कैसे बशीर, कौशल तो 4 तारीख को पहुंच गई थी ना। अशफाक भाई बोल रहे थे कि आप मेरी बात मानोगे या उस झूठे की। बेटा तेरे अब्बू से ठीक से बात नहीं हो पाई। मैं पूछ रहा था आपस से बात हुई? मैं भी तो वही कह रही हूँ कि नहीं हुई।
वो ईद पर भी घर नहीं आए। अबू ने कहा था उसे लेकर आएंगे घर। कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ चल क्या रहा हूँ? बताओ तो सही, कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? बैठ जा, चुपचाप बैठ, समझे? मेरी बेटी कहाँ? तुम्हारे साहब ने कहा था उसे ढूंढ निकालेंगे। तेरी बेटी का पता अगर कोई बता सकता है ना, वो तू है बशीर अंसारी, समझा? बैठ। देख बशीर, बात को घुमा मत। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, दो मिनट में सीधा कर दूंगा। शांति से बता दो, कहाँ है कौशल? ये कैसा गंदम मजाक है साहब? क्या किया तुम लोगों ने कौशल के साथ? कौशल अप्पा को अब्बू लेने गया है, अप्पा जोधपुर में है ना। वो जोधपुर से यहाँ रियासपुर आई थी 4 जून की सुबह। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ये भोली बंदे का नाटक किसी और के सामने करना, पता कौशल कहाँ है? ये डरे हुए होने का नाटक हम पर कोई असर नहीं करता, उल्टा और गुस्सा बढ़ाता। समझ गया, अशफाक भाई ने सबको लपेट में ले लिया, सब बिक चुके। सबको झूठा बोलता है, तेरा झूठ पकड़ा गया। हाँ ये थी बस में, कौशल नाम है इसका। अच्छा, नाम भी याद रखता है? अरे नहीं साहब, वो अकेली सफर करी थी ना बस में, और इसे जो बिठाने आया था, बड़ी फिक्र थी उसे, बार बार मुझसे कह रहा था कि कौशल का ख्याल रखो। हाँ यही थे दोनों थे? हाँ, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी फिक्र थी इसे। रियासपुर बस स्टैंड में उतार दीजिएगा। हाँ फिक्र मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगा बच्ची। और हाँ ये लो, रास्ते में कुछ खा लो, किसी अच्छी जगह रुकिए। हाँ बेफिक्र, हम अच्छी जगह ही गाड़ी रोकते हैं, मैं अच्छी तरह से बच्ची को रियासपुर में उतार दूँ। चले बेटा। रास्ते में नाश्ता करवाया, नजर थी मेरी बच्ची पर, और फिर रियासपुर बस स्टॉप में इसका बाप लेने आया था। चलो कौशल भाई, एडवांस में मुबारक। हाँ कपिल, बड़ा गाड़ी। ड्राइवर कपिल से भी पूछ लीजिए, वो भी यही बताएगा। वैसे हुआ क्या है साहब? हाँ कौशल नाम है, अपने कंडक्टर सूर्या और मैंने इसे रियासपुर में उतार दिया था, बाप आया था लेने। कुछ हो गया क्या सर बच्ची को? अच्छा, वो बस कंडक्टर और ड्राइवर भी झूठ बोल रहे? सब भी क्यों? अच्छा, और वो तेरा लतीफ भाई? क्या क्या बोला लतीफ भाई? साहब सारे जोधपुर में मैंने कई सारी बच्चों को काम पर लगाया, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैंने तुमसे तुम्हारा बायोडाटा नहीं पूछा लतीफ अब्बासी, मैंने सिर्फ इतना पूछा है बशीर और अशफाक के बीच झूठ कौन बोला। साहब मैं वही बताऊंगा जितना मालूम है मुझे। जल्दी बोल। 3 जून को फोन आया था मुझे अशफाक भाई। देख लतीफ, इस बशीर को मैं तेरे जरिए मिला था इसलिए तुझे बता रहा हूँ, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। कौशर को रियासपुर अकेले भेजने के लिए इसने मुझे मजबूर किया है, अभी भी बस में बैठा कर आ रहा हूँ उसे, और इसने मुझसे वादा किया कि रियासपुर बस स्टैंड पर उसे उतार लेंगे। एक मेरा मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन मैं क्या करता, बाप तो वो है ना, उसकी मर्जी। मैं 4 तारीख की सुबह ही काम से निकल गया था अपने गाँव से, मैंने खुद जाकर नहीं देखा बच्ची पहुंची या नहीं। अगर अशफाक भाई बोल रहे हैं कि उन्होंने बच्ची को बस में बैठा दिया था तो बैठा दिया होगा, वो झूठ नहीं बोले। मतलब बशीर झूठ बोल रहा है? पता नहीं सर, लेकिन आप ये बशीर बातें थोड़ा मिर्च मसाला लगा कर कहता है। सच बताता हूँ साहब, बच्ची शुरू में जाने को राजी नहीं थी और ना ही उसकी अम्मी राजी थी, मगर बशीर जबरदस्ती कौशर को भेजना चाहता था, और साहब ये तो पार्टी से 15 की जगह 20 चाहता था। मैंने बोला अच्छे लोग हैं, ज्यादा मुंह मत फाड़, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। अच्छा ये कौशर खुश थी अशफाक करीमी के परिवार से? पूरे 8 महीने थी वो उनके घर पर, खुश नहीं होती तो रहते नहीं वहां साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बशीर ऐसे क्यों पेश आ रहा है। अब ये ड्रामा बंद कर, चल बता कहां छुपा है कौशल को, क्या क्या उसके साथ?
तरह चुप रहने से केस खत्म नहीं हो जाता, लंबा चलता है और तकलीफ बढ़ती जाती है। मुंजाल, अभी बशीर की बोलती बंद हो गई है। लेकिन सर, यास्मीन ने तो एक ही रट लगा रखी है कि कौशल घर आई ही नहीं। मुझे लगता है फैमिली ने लड़की को कहीं छुपाया या गायब करवाया, और अशफाक करीमी से पैसे हटने का प्लान था इनका। मैंने कौशल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर दी है। तुम एक काम करो, इस बशीर के पीछे दो आदमी लगा, ये हमारी नजर के बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है साले ने ही कुछ किया है। सर, मुझे लगता है इस बशीर ने कौसर को कहीं और काम पे लगा दिया होगा। लेकिन तुम तो अच्छे पैसे दे रहे थे। सर, अच्छे पैसे भी एक हद तक ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद और ज्यादा पैसे चाहिए होते। लालच का समंदर बहुत गहरा होता है सर। तुम्हें क्या लगता है, ये बशीर बच्चे को बेच सकता है एक साथ बड़ी रकम के लिए? सर, मैं वहां तक तो नहीं सोचूंगा, पर इंसान को कोई भरोसा नहीं। पर सर, बात यह है कि बच्ची बहुत प्यारी थी, हमारे साथ बहुत घुल मिल गई, पर ये बशीर मुझे पहले दिन से कुछ ठीक नहीं लगा था। पर हमारे को बेटी से मतलब था, इसलिए हमने माइंड नहीं किया। हमें भी लगता है कि कौसर के गायब होने में बशीर शामिल है। हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छूटेगी। हमने रियाजपुर पुलिस को बोल दिया, बशीर पर कड़ी नजर रखे। सब क्यों कह रहे कि 4 जून को कौसर यहाँ आई थी, और अगर आई थी तो तुम उसे कहाँ ले गए? बशीर मेरी, कौसर कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? मैं कब से कह रहा था आपा को वहाँ मत भेजो। आपा कहाँ है अबू? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जवाब दो बशीर। बस का कंडक्टर, बस का ड्राइवर, सब ने अशफाक और उसके साले कासिम को 3 जून की रात को कौसर को बस में बिठाते हुए देखा था। बस के कंडक्टर ने अगली सुबह को रियाजपुर में कौसर को अपने पिता के गले मिलते हुए भी देखा था। कासिम ने पुलिस को टिकट की फोटोकॉपी पेश की थी। लतीफ अब्बासी, वो एजेंट जिसने अशफाक और बशीर को मिलवाया था कौसर को लेकर, वो भी अशफाक के स्टेटमेंट का समर्थन कर रहा था और बशीर पर शक। क्या यह मुमकिन है कि एक सगे बाप ने ही अपनी बेटी को गायब करवा दिया था, या फिर उसके साथ कुछ कर दिया था? अगर ऐसा था तो क्यों? अब देखना बाकी था कि कौसर का सच सामने कैसे आएगा, और इस इंतजार में केस ने लिया एक और जबरदस्त मोड़। हेलो। हाँ मौलवी साहब, बताइए। कल्पना जी, यहाँ रियाजपुर का एक मसला है जिसका ताल्लुक आपके जोधपुर से। बताइए क्या मसला है। एक बच्ची है यहाँ की, जो वहाँ जोधपुर में घर का काम करती है। अच्छा, और? कल्पना जी, वो बच्ची गुमशुदा है। अब मौलवी साहब, आप जरा मुझे डिटेल में बताएंगे प्लीज? अरे कल्पना जी, पहले आप बैठिए तो सही। मुझे बैठना नहीं है त्रिवेदी जी, मुझे सिर्फ ये जानना है कि माइनर कौसर अंसारी के मिसिंग केस का स्टेटस क्या है। स्टेटस क्या होगा कल्पना जी? हमने कौसर की तस्वीर हर जगह भेजी थी, गुमशुदा हुई थी और रियाजपुर में, हमने वहाँ के थाने में भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और रियाजपुर पुलिस आपके कहने पर उस बशीर को हर दूसरे दिन पुलिस स्टेशन बुलाकर हैरेस कर रही है। तो आप ये बताइए कल्पना जी, हम क्या करें? कौसर के फादर बशीर का ये कहना है कि अशफाक और उसकी फैमिली झूठ बोल रही है, जबकि सारे सबूत ये कहते हैं कि कौसर रियाजपुर पहुंची थी, और गवाह हैं जिन्होंने बशीर को रियाजपुर बस स्टैंड में देखा था कौसर को रिसीव करते हुए। अब आप ये कह रहे हैं कि बशीर की पत्नी यास्मीन ने आप लोगों के पास शिकायत की, तो सबसे पहले जाकर आप यास्मीन से कहिए कि वो अपने पति बशीर से पूछे कि कौसर कहाँ है, क्योंकि बशीर ही वो अकेला आदमी जो ये बता सकता है कि कौसर कहाँ गया है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। मैडम जी, मैं पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ,
मेरे शौहर झूठ नहीं बोल सकते, चाहे वो कितने भी सदमे में क्यों ना हो। देखो यास्मीन, अभी तक के सारे गवाह और सबूत उसके खिलाफ हैं। और तो और तुम्हारे गांव का वो एजेंट लतीफ अब्बास है, उसने कहा है कि अशफाक ने बच्ची को बस में बिठाया और उसे तुरंत फोन किया। मैडम जी, मुझे नहीं मालूम किसने क्या कहा, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। मैडम जी, आपके हाथ जोड़ती हूँ, कुछ कीजिए उसे ढूंढने के लिए। ठीक है, मैं समझ गई। देखो, मैं कोई वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ बड़े अफसरों को पहचानती हूँ। देखो क्या हो सकता है। सर, लड़की सिर्फ 12 साल की है, उसकी माँ की हालत बहुत खराब है, काफी लो इनकम ग्रुप है। अगर इस लड़की का फादर इस केस में इन्वॉल्व भी है, फिर भी हमें लड़की को तो ढूंढना ही होगा ना। और इंस्पेक्टर त्रिवेदी, उन्होंने तो बस बशीर के पीछे एक आदमी लगा दिया और बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे हुए, और पता चला कि वहां लड़की ट्रैफिक हो। ओके, मुझे हैंडल करने दो। सर प्लीज, थोड़ा जल्दी, लड़की को गायब हुए ऑलरेडी काफी दिन हो चुके हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कल्पना जी, वैसे मैं भी नहीं चाहूंगा कि पुरानी टीम इस केस की तहकीकात करे। मैं एक नए ऑफिसर का अपॉइंट कर रहा हूँ इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। गुड मॉर्निंग सर। 12 साल की माइनर लड़की है राजपूत, ऑलरेडी काफी टाइम निकल चुका है। अभी लग जाता हूँ सर। इस केस को टॉप प्रायोरिटी दो। समझ गया सर। जय सर। कल्पना, ताज्जुब की बात यह है कि बच्ची अभी तक घर नहीं पहुंची, और बच्ची कहाँ है किसी को कुछ पता ही नहीं। जी हाँ सर, इस बच्ची कौसर की माँ भी बहुत परेशान है। इस कौसर के पिता बशीर इस केस में मुख्य संदिग्ध है, ये तो आपको दोनों लोकल थानों से पता करना होगा कि अगर बशीर ने कौसर को गायब किया है तो उन लोगों ने बशीर के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। भैरवी, अशफाक को यहाँ बुलाओ। ओके सर। सर, इस बच्ची को जल्दी ढूंढना होगा, ये सिर्फ 12 साल की। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अशफाक ने 12 साल की बच्ची को अकेले कैसे छोड़ दिया, और वो भी ओवरनाइट ट्रिप से। मैम, आप 10 बार मुझे बुलाएंगे ना, मैं 11 बार आपके पास आऊंगा। मेरे लिए उस बच्ची का मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस वक्त कौसर के बाप बशीर को लॉकअप में होना चाहिए, क्योंकि उसी ने कुछ किया है। मैम, उसे तो हम आड़े हाथों लेंगे ही। आप यहाँ आ जाइए, हमें आपसे ही बात करनी है। जी। बशीर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारी बीवी मौलवी के पास गई और उन्होंने जोधपुर की किसी संस्था से बात की? पुरानी पुलिस टीम को हटाकर अभी ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया? ये मसला उठाकर बशीर, तुमने खुद अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। भुग तो अब। मंजाल, इससे पहले कि बशीर कहीं फरार होने की कोशिश करे, अपने आदमी भेजकर उठवाओ उसे। एक अरसे से हमारे आदमी ऑलरेडी उसे ट्रैक कर रहे हैं, वो तो फरार होने से रहा सर। भैरवी, मैंने बशीर को बहुत तोड़ा अपनी कस्टडी में, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला, बंदा ढीठ निकला। मैंने उसे जाने दिया और रियासपुर थाने को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि वहां की पुलिस टीम इस बशीर पर कड़ी नजर रख सकती थी और यह भी पता लगा सकती थी कि कौसर को उसने कहां रखा। यह भी मुमकिन है कि शायद उसने कौसर को कहीं और काम पे लगा दिया या फिर बेच दिया। एक बात और जो हमें पता चली वो ये कि कौसर की मां यासमीन नहीं चाहती थी कि कौसर अशफाक के घर काम पे जाए। मैं कौसर को नहीं भेजूंगी। और बच्ची खुद भी वहां जाना नहीं चाहती थी। फिर भी सर, राजपूत सर और मुझे, हम दोनों को यही लग रहा है कि आपको थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी ये पता लगाने की कहीं बशीर ने खुद अपनी बेटी कौसर को कहीं बेच तो नहीं दिया होगा, और इधर अशफाक से भी पैसे हटने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, ये मुमकिन है। मुझे तो ये भी लगता है कि बशीर की बीवी यास्मीन हम लोग से कुछ छुपा रही है। एनीवे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द कौसर को ढूंढ निकालें। लतीफ भाई, अगर आपको लगता है इस सब में मैं शामिल हूँ तो आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है?
मुझे फख्र और खुशी है कि मेरी बीबी ने यह मसला उठाया और आगे तक ले जा रहा। गरीब है तो क्या हुआ, बच्चा तो बच्चा होता है, सबसे कीमती। क्या पुलिस टीम बदलने से कौशल की तकदीर बदलने वाली थी? क्या उसे ढूंढ लिया जाता? क्या कौशल उस जगह मिलती जहां उसे उसके पिता बशीर ने ही भेजा था उसकी मां को बिना बताए? ये कोई पहली बार नहीं था कि गरीब बाप ने अपनी बच्ची को जोखिम में डाल दिया था। अपने घर से दूर उसे किसी और के घर में काम पर लगाकर मालिकों से पैसा ऐंठने की कोशिश की थी। और साथ ही यह भी कोई पहली बार नहीं हो रहा था कि अमीर परिवार के लोगों ने अपने घर पर काम के लिए रखे गए एक बाल मजदूर के बारे में पुलिस को झूठ बोला हो, उन्हें गुमराह करने की कोशिश की हो। पहली इन्वेस्टिगेशन टीम के पास इस बात के ठोस सबूत थे कि कौशल रियासपुर पहुंची थी। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या उस टिकट की फोटोकॉपी और बस कर्मचारियों के बयान में खोट हो सकती है? हो सकता है कि कंडक्टर और ड्राइवर ने ठीक से ध्यान न रखा हो और बच्ची रियासपुर की जगह किसी और ही स्टॉप पर उतर गई हो, कहीं और ही पहुंच गई हो, या फिर उसे कहीं और पहुंचा दिया गया। या फिर कुछ ऐसा हुआ था कौशल के साथ जो इस केस से जुड़े सभी लोगों की कल्पना से भी बाहर था। नई पुलिस टीम ने इस केस को क्रैक किया, उन्होंने पुरानी इन्वेस्टिगेशन के लूप होल्स ढूंढ निकाले और इस केस की सच्चाई तक पहुंचे। तेरे शौहर को बुला। तेरे लिए जोधपुर क्राइम ब्रांच चाहिए। अम्मी, अब्बू ने कौशल आपा को फिर से कहीं दूर भेज दिया। तेरे अब्बू कुछ नहीं बोल रहे बेटा। कहाँ हो गया आपा? पता नहीं। लतीफ, तुम जोधपुर के अशफाक भाई को अच्छी तरह जानते हो, खुदा के लिए सच सच बताओ, क्या उन्होंने कौशल को वाकई यहाँ रियासपुर भेजा था? दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, पर बहुत ही शरीफ लोग हैं। मुझे लगता है बशीर कुछ छुपाने के लिए उन पर झूठे इल्जाम लगा। क्या छुपाने के लिए? यास्मीन वैसे भी खुश नहीं थी कौशल को जोधपुर भेजकर, इसलिए मुझे लगता है बशीर ने उसे कहीं और काम पर लगा। मैंने बशीर से साफ साफ कहा था कि कौशल को अकेले भेजना सेफ नहीं है। फिर भी आपने उसे भेजा? सर, जिद पर अड़ा था। मैंने उसे यह तक कहा कि ईद के दो चार दिन के बाद या तो मैं या तो कासिम खुद आकर कौशल को रियासपुर छोड़ जाएंगे। अब पूछ लीजिए कासिम से। बिल्कुल सर, अगर उसका बाप अड़कर नहीं बैठता तो अशफाक भाई उसे कभी अकेले नहीं भेजता। लेकिन ईद जितनी आपकी थी उतनी कौशल उसके घर वालों की भी थी, तो आप उसे ईद के बाद ही क्यों भेजना चाहते? क्योंकि सर काम की वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, इसीलिए मैंने बशीर से कहा कि तुम खुद आओ और अपनी बेटी को लेके जाओ यहाँ जोधपुर से। लेकिन उसने भी यही कहा, बिजी हूँ नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी 12 साल की लड़की को ऐसे अकेले, वो भी रात की बस। सर, बशीर मेरी जान खा रहा था कौशल को भेजने के लिए, इसीलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मैंने ईदी के तौर पर उसे काफ़ी सारे तोहफों के साथ बस में बिठाया था। मैंने कंडक्टर से भी कहा था कि इसका ध्यान रखना। अब आप बताइए मैं और क्या करता। वो आपके घर पर 8 महीने थी ना? जी। तो इन 8 महीनों में आपने उसे एक बार भी अपने घर क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि सर उसने कभी भी छुट्टी नहीं मांगी, बहुत खुश थी हमारे साथ। मेरा बेटा राशिद अभी भी मुझसे पूछता कि कौशल आपा कहाँ चली गई। सर सच बताऊं तो मुझे कभी भी भनक भी नहीं लगी कि बशीर ऐसा नहीं। मुश्ताक, तुम्हारे टिकट की रिसीट पे पैसेंजर का नाम और नंबर क्यों नहीं है? मैडम, छोटी सी ट्रेवल एजेंसी है, सस्ते टिकट है, हमारे ज्यादातर पैसेंजर वो मजदूर टाइप होते हैं। मतलब आप कहाँ सबके नाम नंबर और एड्रेस नोट करता रहा? अगर नोट किया होता तो आज कौशल को ढूंढने में हमें काफी मदद मिल गई होती। मैडम, मुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मेरे बस ड्राइवर और कंडक्टर भी पहले वाले पुलिस से बोले थे कि उन्होंने लड़की को ठीक ठाक रियासपुर उतार दिया था और बस स्टॉप पे लड़के का बाप भी उसको लेने आया था। मैडम, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं?
साहब दो दिन में ईद थी, अगर वो रियाजपुर में थी तो किसी ना किसी ने तो पक्का देखा होगा उसे। अगर वो रियाजपुर उतरी थी तो हो सकता है रियाजपुर बस स्टैंड से उसका पिता बशीर उसे अपने साथ कहीं लेकर गया, टैक्सी से, रिक्शा से या फिर पैदल। अबू। अरे चलो का सर, बाय। अम्मी और फरीद कैसे हैं अबू? तुमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जल्दी घर चलते हैं, मैं फरीद के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ। तुमने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है बेटा। अबू जल्दी घर चलते हैं ना। अरे पहले कहीं और चलना है फिर घर। कहाँ अबू? चलो तो सही, आओ। कहाँ? आओ ना। ऐसा भी क्या गुस्सा था कौसर जो उसे मार ही डाला और अशफाक से पैसे भी निकलवाने चाहे? कहाँ दफना है? मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता मुझे उस पर किस बात का गुस्सा था, लेकिन एक बात सच है, सच हो सकती है। क्या? जब वो जोधपुर वाले साहब मेरी पिटाई कर रहे थे। बोल क्या क्या तूने कौसर के साथ? बोल साले बोल। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी कौसर कौसर को मार डाला गया। ये अशफाक कातिल है मेरी बेटी का साहब, मार डाला मेरी पुण्य सी बच्ची को। इसलिए तो अशफाक से पैसे मांग रहा है, पता और मौत है। इस कौसर को काम पर रखकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी है सर। सर आप इस बशीर को आड़े हाथों लीजिए, बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। कैसा गेम? सर ये जब भी जोधपुर आता है इस केस के सिलसिले में मुझे फोन करता है। बाग भाई केस लंबा चलेगा तो तकलीफ आपको होगी। कहना क्या चाहता है बशीर? आप मुझे मुआवजा दे दो 15 लाख, केस वापस ले लूँगा और कौसर को भी भुला दूंगा। कलीस बेगैरत आदमी अपनी बेटी का सौदा कर रहा है तुम मुझसे? सर इस आदमी का मकसद सिर्फ पैसे हटना है। मैंने इंस्पेक्टर त्रिवेदी से भी यही कहा था, जैसा भी हो कौसर के बारे में पता लगाइए। क्या पता इस बशीर ने उसे पहले ही मार दिया हो। तो फिर लाश कहाँ है बताइए ना, कहाँ है लाश? 10 दिन हो गए मेरी बच्ची को गायब हुए, किसी को तो मिलती? तू बता दे। क्या बताऊं सर, गरीब आदमी इसलिए मेरी जवान की कोई कीमत नहीं, पर अशफाक भाई मुझ पर वाहियात इल्जाम लगाएंगे आप इसे सच मानेंगे? तेरी बात भी सच मानेंगे, लेकिन सच बोल के तो देख। क्या बताऊं और क्या देखूं साहब, 4 पैसे घर में आएंगे यही समझकर मैंने अपनी बच्ची को भेजा लतीफ के भरोसे। अब वही लतीफ मुझ पर उंगली उठा रहा है, ऊपर से कहता है बशीर के सब बड़े पुलिस वाले के पास चला गया। तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। हो रही है साहब, हो रही है, क्योंकि सारी दुनिया समझती है कि मैंने अपनी कौसर के साथ कुछ कर दिया। तेरे हिसाब से पूरी दुनिया झूठी है। वो बस कंडक्टर, उसका कहना है कि जोधपुर से अशफाक ने कौसर को बस में चढ़ाया था और अगले दिन सुबह रियाजपुर बस स्टैंड से तू कौसर को लेने भी आया था। उस बस कंडक्टर की तुमसे क्या दुश्मनी? वो झूठ क्यों बोले? पैसा बोलता है सर। अब मुझे देखिए, 4 पैसे के लालच में मैंने उन लोगों पर भरोसा किया, सौंप दिया अपनी बच्ची को उनको, और देखिए क्या हालत की उन्होंने उसकी। तेरी बेटी तो 8 महीने से घर आई नहीं, तो तुझे उसके हाल का कैसे पता? वो लोग उसे नहीं आने देते थे, लेकिन मैं तो मिलने आया था। तू कब आया था उस समय? अप्रैल में। बेचारी की क्या हालत थी, बहुत उदास थी। उसके पहले 5 महीने सिर्फ फोन पर बात हुई और हर बार ये लगता कि बच्ची कुछ छुपा रही है। और बता बेटा, तेरा स्कूल शुरू कर दिया उन लोगों ने? अबू वो आप कब आ रहे हैं यहाँ? जल्दी आऊंगा, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। सब ठीक है अबू, अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज। मैं कुछ नहीं जानती, आप कल सुबह की पहली बस से जोधपुर जाएंगे बस। अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि वो थोड़ी उदास है, हो सकता है आसपास लोग होंगे वहाँ इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही होगी। नहीं, पहले आप जाके अपनी आंखों से खुद देखिए, थोड़ी सी भी गड़बड़ लगे ना तुरंत वापस ले आइएगा।
अरे यहाँ जो भी है जैसा भी है सब सही है। हाँ अबू, आपा को वापस लाने के बाद उसे कहीं मत भेजना। फरीद तू बीच में ना बोल, खाना खा। अरे बशीर एकदम अचानक से। जी बस रहा नहीं गया, बुलाइए ना कौसर को। रुको बुला। इंग्लिश स्कूल है, सब समझ में तो आता है। अरे कितना समझाया इसे, पर ये स्कूल जाना ही नहीं चाहती। पर बात तो ये हुई थी कि कौसर अच्छे स्कूल में दाखिल होगी। हाँ एडमिशन हुई थी, पर एक हफ्ते बाद इसने जाना ही बंद कर दिया। कहती है घर पे रहना अच्छा लगता है इसे, है ना कौसर? मैं समझ गया कि फरजाना बहन के सामने कौसर सहमी हुई है, तो मैं उसे बाहर ले आया। अब बोल, स्कूल क्यों बंद कर दिया? अबू, ये लोग पूरा दिन मुझसे काम करवाते, घर के सारे काम। कौसर क्या कर रही है? जल्दी कर, राशिद उठने वाला से घुमाने ले जाना है। फरजाना बहन मुझसे नहीं होता। वो थप्पड़ खाएगी ना, सब होने लगेगा। जल्दी कर। पर हाथ तो नहीं उठाया ना तुझ पे? 20 बार बोला है, अच्छी तरह से समझाया है। मशीन में एक बार में 10,000 कपड़े नहीं डालते। मशीन भार नहीं ले पाएगी, खराब हो जाएगी, समझ नहीं आती बात? मैं भी इतना काम नहीं कर सकती, थक जाती हूँ। अच्छा, उल्टा जवाब देने से और बहाने बनाने से जुबान नहीं थकती तेरी? और स्कूल में एडमिशन हुई ही नहीं अब्बू, मैंने पूछा भी था। स्कूल? अब्बू ने मुझे कहा था कि आप यहाँ मुझे स्कूल भेजेंगे। अच्छा, और तेरे अब्बू ने तुझे ये नहीं कहा कि काम चोरी ना करे? मुझे कहा गया था कि सिर्फ राशिद का काम करना होगा, पर आप तो घर के सारे काम करवाती। तो अपने घर में भी सारे काम करा करती थी ना तू? वो घर है, अलग है। अच्छा तो ये क्या है? देखा कैसे जबान लड़ाती है, एकदम बदतमीज है ये। अशफाक भाई, मुझे अब बाकी के काम नहीं करने, मुझे स्कूल जाना है। देख, तू जो काम कर रही है ना उसके बहुत तगड़े पैसे दे रहा हूँ तेरे बाप को। तो फिर बोला क्यों नहीं कि घर के सारे काम करवाएंगे, क्यों बोला स्कूल भेजेंगे? अशफाक भाई, मुझे आज ही से स्कूल जाना है। हुक्म चलाएगी हम पर? तुम तो सारा दिन घर पे होते नहीं हो, इसी तरह से नखरे करती रहती है। एक नंबर की आलसी कामचोर है, सारा दिन आराम करना है, ऐश करना है इसे। और स्कूल जाने का ना सिर्फ ये बहाना करिए ताकि इसे घर के काम ना करने पड़े। सुधर जा, अच्छे से काम कर, बहुत अच्छे से रख रहे हैं तुझे, और आइंदा स्कूल जाने की ना बात बात मत करना मेरे साथ, समझ आया? अबू, मैं और यहाँ नहीं रह सकती, मुझे घर ले चलो। मैं वहाँ कोई और काम करके पैसे कमा लूंगी, पर मुझे घर जाना है अबू, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे अम्मी और फरीद के साथ रहना है अबू, और आपके साथ। यहाँ से ले चलो अबू, मैं नहीं रह सकती। ये कोई एक बार की घटना नहीं है, कम से कम पैसों में नौकरों से ज्यादा काम करवाना मध्यम वर्गीय परिवारों में एक आम बात है, और अमीर घरों में तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ अजीब सी धारणाएं सुनने को मिलती हैं, जैसे कि ये लोग तो कोई भी काम कर लेते हैं, इन्हें तो आदत होती है काम करने की, थोड़े में भी बहुत खुश हो जाते हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। अक्सर मालिकों को लगता है कि वो नौकरों को खाना कपड़े और सोने की जगह देकर कोई बहुत बड़ी दिलदारी का काम करते हैं। बड़े गर्व के साथ खुद नौकरों और दुनिया वालों को इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि देखो कितने दिलदार हैं हम। पर इंसान की गरिमा का क्या, उसके हक का क्या? नौकर विरोध में चू भी करे तो उस पर बदतमीजी, काम चोरी, यहां तक कि चोरी के भी इल्जाम लगते हैं। जी नहीं, हम ये सब बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे हैं, आंकड़े यही हकीकत बयां करते हैं। और यहां इस केस में इस अमानवीय बर्ताव से पीड़ित कौसर सिर्फ 12 साल की थी। क्या वो अपने साथ हो रहे जुल्म के बारे में झूठ बोल रही थी? मुझे उस दिन मेरी बच्ची को वापस ले आना चाहिए था। तो क्यों नहीं ले गए? मैं उनकी बातों में आ गया था साहब। देखो बशीर भाई, छोटी है, घर की याद आती होगी, इसलिए मैं बुरा नहीं मान रही हूँ कि वो इस तरह से झूठ बोल रही है, होता है, कोई बात नहीं। बशीर लो, हमें देखो, इस घर को देखो, क्या लगता है तुम्हें इस घर में जल्लाद रहते हैं, एक छोटी सी बच्ची को मारेंगे? और बशीर भाई, वॉशिंग मशीन में एक दो बार कपड़े डालना निकालना काम थोड़ी होता है,
मेरी अपनी बेटी होती तो उससे भी करवाती ना। पर बच्ची कह रही थी कि आपके यहाँ और कोई नौकरानी नहीं है। मिलती नहीं है ना बशीर भाई, तभी तो सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। इसलिए तो कौसर को रखा है राशिद के लिए। बशीर, हम तुम्हारी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह ही रख रहे हैं। अब रही बात स्कूल जाने की, तुम्हारी बच्ची मानती नहीं है, बहाने बनाती रहती है। कभी टीवी देखना है, कभी कुछ और करना है, बचपना है। और इसमें ना दोबारा करवा देंगे ना एडमिशन। आप फिक्र मत कीजिए बशीर भाई, जितना पढ़ेगी उतना पढ़ाएंगे हम। और हाँ देखो, मैंने उसकी पगार 15 की जगह 18,000 कर दी, ठीक है? बशीर देखो, अच्छे अच्छे बच्चे भी कभी कभी झूठ बोला करते हैं। हम बड़ों को उनकी बात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, और जैसे जैसे होश आएगा ना, झूठ बोलना भी बंद कर देगी। और एक साल उसको यहाँ पे रख कर देखो, तुम्हारे घर जाने के लिए मना कर देगी। हाँ, और ये कहानियां बनाना भी बंद कर देगी। बातों के ऐसे लपेटे में लिया मुझे कि मुझे लगा वो लोग सच बोल रहे हैं, जैसे आपको अभी लग रहा है कि अशफाक भाई सच बोल रहे हैं। सर, अशफाक के कॉल रिकॉर्ड्स भी वही कह रहे हैं जो वो कह रहा है। 3 और 4 जून को उसकी और बशीर के बीच में बात हुई है, और उसके बाद भी दोनों के बीच में बात होती रही। पर बात क्या हुई ये तो कॉल रिकॉर्ड्स नहीं बता सकते बहरे। सर, मैंने इस बस कंडक्टर सूर्या और ड्राइवर कपिल, इन दोनों से मिलके बात की, और उस रियाजपुर वाले लतीफ, उससे फोन पे बात किया। सर, क्या ये मिलके झूठ बोल रहे हैं? सबके सब एक ही बात बोल रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि सब सच बोल रहे हैं। सर, बशीर कह रहा था कि बच्ची नाखुश थी, उसे वहाँ टॉर्चर किया जा रहा था, पर जब मैंने कौसर की माँ यास्मीन से बात की तो उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये आप क्या कह रही है? मेरी कौसर से फोन पे बात होती थी, पर उसने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। पर जब बशीर मिला था उसे तो सब कुछ कहा था। क्या यास्मीन, ये बात बहुत अजीब है। बशीर ने तुमसे ये बात क्यों छुपाई? अल्लाह जाने। यास्मीन दरअसल पुलिस की पहली टीम और अब क्राइम ब्रांच, दोनों की तहकीकात इस तरह बढ़ रही है कि बशीर काफी कुछ छुपा रहा है। अम्मी, याद है जब अबू आवाज से मिलकर लौटे थे तब उन्होंने कहा था वो तो वह बहुत खुश है। यास्मीन, कौसर काफी खुश है और वो लोग भी उससे काफी खुश हैं। और स्कूल सब बढ़िया चल रहा है। गए तो नहीं आते ना? अरे पगले, सिर्फ मिलने गया था, ऐसे कैसे काम के बीच में ले आता? कुछ ही दिनों के लिए ले आते, तरस गई उसे देखने। मैं भी। थोड़ा इंतजार करो, ईद हमारे साथ ही मनाएगी कौसर। यास्मीन, हमारे पास इस बात का सबूत है कि अशफाक करीमी ने 3 जून को कौसर को बस में बिठाया था, वो रियाजपुर पहुंची भी थी और बशीर उसे वहां लेने भी गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? अबू इतना झूठ नहीं बोल सकते। तो फिर कितना झूठ बोल सकते हैं बेटा, बताओ। यास्मीन, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि बशीर तुमसे काफी कुछ छुपा रहा है? नो, मुझे नहीं लगता बशीर झूठ बोल रहा है। बच्चा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि अशफाक और फरजाना ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास बशीर के खिलाफ सबूत के तौर पर एक बिना नाम के टिकट की रेसिट, कुछ बिना डिटेल के फोन रिकॉर्ड्स और 3 गवाह जो इंसान, पर हम सब जानते हैं इंसानियत बिकाऊ है। एक्चुअली सर, मुझे इस बस कंडक्टर सूर्या और ड्राइवर कपिल, इन दोनों पे पहले शक हुआ था। इस बस का लास्ट स्टॉपेज है अहमदाबाद, मैंने वहाँ पे अपनी एक टीम एक्टिवेट कर दी है ये जानने के लिए कि कहीं ये दोनों किसी रैकेट में तो शामिल नहीं है। रैकेट पिछली की तरह काम करते हैं, घर भी वक्त निकला जा रहा है, बच्ची कौसर कहाँ है? बच्ची की शिकायतों के बावजूद फरजाना और अशफाक ने बशीर को मना लिया होगा, पर अपनी मजबूरी के चलते बशीर ने भी खुद को समझा लिया होगा कि सच बोल रहे, और उसकी बेटी कौसर बड़ा चढ़ा के बात कर रही है। जैसे अमीरी घमंड को जन्म देती है, वैसे ही गरीबी सेल्फ डाउट का दलदल है। आई एम सॉरी सर, बट आप इस केस को अमीरी और गरीबी के चश्मे से देख रहे हैं, जो शायद इस केस की हकीकत ना हो। हकीकत एक ही है बहन, पैसा। पैसे से बड़ी कोई रियलिटी नहीं। पैसा कुछ अमीरों को एक फीलिंग देता कि कुछ भी खरीद सकते, सच्चाई को भी। और गरीबी इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि एक छोटी बच्ची बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रही है, फिर भी उसे घर वापस नहीं ले जाएगा। अगर अप्रैल में उसे वापस भेज देते ना तो बेकार की टेंशन नहीं होती। तुमने अगर राशिद का ध्यान ठीक से रखा होता ना तो वो लड़की इस घर में होती ही नहीं। वाह, तुमने तो बहुत हेल्प की ना मेरी।
सारे कामों में बहुत हाथ बटाया तुमने। मेरे पास कोई और काम तो है नहीं, पैसे तो पेड़ पे उगते हैं ना। अशफाक, बच्चे संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक दिन बच्चे का काम और घर का काम करके देखो, फिर बात करना। और वैसे भी अब तक तुम नई नौकरानी अरेंज नहीं कर पाए हो और बात कर रहे हो इतनी। अरे नौकर नौकरानी टिकेंगे कैसे हमारे घर में? हालत देखी क्या करके रखती हो, मशीन की तरह रखती हो उनको, पूरा निचोड़ देती हो। इस झमेले में फंसे ना हम, सिर्फ तुम्हारी वजह से फंसे। सिर्फ मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से बशीर हमारा खून पी रहा है। और एक ये तुम्हारा निकम्मा भाई, एक काम ठीक से नहीं होता इससे। हाँ अब तो तुम इस पर इल्जाम लगाओगे, खुद को बचाओगे ना। हाँ कासिम बोल। अशोक भाई, ये नई पुलिस टीम लियाकत और शमशेर को उठा के ले गई है पूछताछ के लिए। उन्हें क्यों? मैं क्या जानू अशफाक भाई, लेकिन कुछ ज्यादा ही फुदक रही है ये नई टीम। तो वो दोनों अभी कस्टडी में? हाँ ये गफूर आया है, उसने बताया कि उनको उठा के ले गए। क्या हुआ? अरे होना क्या है, बैंड बज रहा है हमारा। कितने में बेचा मेरी बेटी को? अबू पर हाथ उठाएगा? अबू पर? आपा को घर क्यों नहीं आए? क्यों? तेरे लिए और तेरे लिए, खुद कौसर के लिए। हम लोग एक जहन्नुम से निकले थे, अगर कौसर को घर ले आता ना तो हम फिर से वहीं लौटते, समझे तुम दोनों? बिना कौसर के ये घर आपको जन्नत लग रहा है? पैसे तो आ गए पर कौसर तो चली गई ना, पता नहीं किस तकलीफ में होगी मेरी बच्ची। वो तकलीफ में नहीं थी, यहाँ शहजादी बनकर रहती थी, हम लोगों को कुछ तकलीफ नहीं है। पहले वो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैंने कौसर के साथ कुछ कर दिया है, जो कि सरासर झूठ है। पर अब उसी झूठ को तुम लोग सच, सच तो ये है कि कौसर को उन्होंने भेजा ही नहीं, मुझे पता नहीं कि वो इस वक्त कहां है। मैं तो खुद चाहता था कि वो ईद पर घर आए, मैंने तो एक अच्छी नौकरी समझकर वहां रखा था उसे, पर पता नहीं उन लोगों ने क्या कर डाला उसके साथ। पैसे वाले कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैडम हम कैसे बता सकते हैं अशफाक भाई घर में क्या चलता है? हम तो उनके यूनिट के कारीगर हैं, मैं तो कभी उनके घर तक नहीं गया हूँ। अशफाक करीमी ने हमसे बताया कि कौसर को उसे रियाजपुर खुद ड्रॉप करने के लिए टाइम नहीं था, वो बिजी चल रहा था। तो भाई यूनिट का काम कहाँ चल रहा था? उसके वर्कर्स को उठा और पूछो कि ऐसा भी बिजी काम कहाँ चल रहा था जिसकी वजह से उसने 12 साल की बच्ची को अकेले बस में भेज दिया, वो भी रात की बस से। सर आप सिर्फ अशफाक पे इतना गहरा शक कर रहे हैं? हाँ भैरवी, क्योंकि मुझे गहरा शक है कि कौसर उस रात बस में नहीं थी। सर हो सकता है अशफाक ने बस में बिठा दिया हो और रास्ते में उसके साथ कुछ हो गया हो। वो महज 12 साल की थी, गरीब घर से थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसने साफ साफ लफ्जों में अपने पिता से अशफाक करीमी के परिवार की शिकायत की थी। अगर उसके साथ बस में कुछ हुआ होता तो वो चिल्लाती, झगड़ा करती, आसपास के पैसेंजर्स अलर्ट होते। नहीं भैरवी, मैं बता रहा हूँ, कौसर उस रात बस में नहीं थी। तो बताओ शमशेर, लियाकत, काम कहाँ चल रहा था? मैडम सारा काम तो 3 जून तक पूरा हो चुका था। हम सबको ईद की छुट्टियाँ चाहिए थी। हाँ तो 3 जून तक काम चल कहाँ रहा था? 20 मई से 3 जून तक हमारी पूरी यूनिट बाड़मेर में थी, एक गार्डन में मार्बल फिटिंग का काम चल रहा था। पार्टी अशफाक भाई की खास थी, हम पूरी ताकत लगा रहे थे ईद के पहले काम पूरा करने की। हमने 2 तारीख तक सारा काम निपटा लिया था। तो अशफाक करीमी ने हमसे झूठ बोला कि उसके पास कौसर को रियाजपुर ड्रॉप करने का टाइम नहीं था? मैडम वो सब हमें नहीं मालूम, उनकी निजी जिंदगी है मैडम, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कौसर के साथ क्या हुआ था ये बहुत पहले पता चल सकता था, ठीक उसी वक्त जब मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जब इन्वेस्टिगेशन पहली पुलिस टीम के हाथ में थी। एक अहम सुराग नजरअंदाज हो गया था, पर सवाल यह था कि यह नजरअंदाजी गलती से हुई थी या फिर जानबूझकर एक गुनाह पर पर्दा डाला गया था। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, हमने तरीके से इन्वेस्टिगेशन की,
और इस नतीजे पर पहुंचे कि बशीर इन्वॉल्व है, फिर पता नहीं आप कौन से कवरअप की बात कर रहे हैं। लॉजिक, अगर एक बाप अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर देता है तो इतना शोर क्यों मचाएगा? सर उसी लॉजिक से मैं आपसे पूछता हूँ, जब एक बेटी अपने बाप से साफ साफ कहती है कि उसे घर वापस ले जाओ, ये लोग उसकी जान ले रहे हैं, तो उसे वापस क्यों नहीं ले जाता? मजबूरी, गरीबी, हमारे देश में नहीं तो नहीं। सर आप उस लालची बशीर के आंसुओं पर जा रहे हैं। सबूतों का क्या, गवाहों का क्या, बस के कर्मचारी, उसी के गांव का लतीफ, मतलब सभी ने बशीर के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट स्टेटमेंट होता है त्रिवेदी, सच कब से होने लगा? ये बस टिकट की कॉपी जब तुम्हारे सामने बतौर सबूत पेश की गई, तुम्हें इसमें कोई खोट नजर नहीं है? टिकट की कॉपी भी लाया। इस फोटोकॉपी को देखकर तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट नहीं है? लतीफ अब्बासी, जोधपुर क्राइम ब्रांच तुमसे कुछ बात करना चाहते। किस बारे में सर? 3 जून की रात को अशफाक ने तुम्हें कॉल किया था ना? हाँ किया था, उसी बारे में बात करनी है। चलो। अरे मालिक मुझे क्यों घसीट रहे हैं सब में? जो जो सस्ता हो तो मैंने बता दिया ना आप सबको। अरे सब ये सब क्या हो रहा है? मैंने सच ही बोला था आप लोगों को, जैसा हुआ था वैसा ही बोला था सब। मुझे कुछ भी नहीं पता उस लड़की के साथ क्या हुआ सब, मैं सच 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 बोल रहा हूँ सब। ये सर मेरा ट्रैवल का काम, मैं टिकट काट कर लोगों को बस में बिठा कर आगे भेजता हूँ बस। लेकिन लड़की बस में बैठी ही नहीं, इसमें मेरी क्या गलती? तो तेरे ड्राइवर और कंडक्टर ने कौन से हिसाब से बोला कि वो बस में चढ़ी और रियाजपुर जाके उतरी? अब सर ये तो आप नहीं लोगों से जाकर पूछिए ना। इसीलिए तुझे लेके जा रहा हूँ, तेरे सामने पूछूंगा। चलो। त्रिवेदी घिन आ रही है पूछने में, पर मजबूरी है। कितने में सौदा हुआ था अशफाक के साथ? सर आप मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। घिन तो उस बाप को आनी चाहिए जिसने अपनी बेटी की जिंदगी को पैसों की खातिर दांव पे लगा दिया। तुमने क्या किया उस जिंदगी को बचाने के लिए? ढूंढ के नहीं ले कौशल को, पता क्यों नहीं किया कि 12 साल की मासूम जिंदगी के साथ क्या हुआ? आओ सर, बच्चे रियाजपुर कभी पहुंचे ही नहीं, बीच रास्ते में उतारी गई, शायद बस में कभी चढ़ाई भी नहीं गई। लेकिन बस के ड्राइवर कंडक्टर सबका स्टेटमेंट कि बच्ची बस में चढ़ी थी और अगले दिन रियाजपुर बस स्टैंड से बशीर उसे कहीं ले गए। नामुमकिन है सर, रियाजपुर बस स्टॉप पर एक गवाह नहीं मिला है जो ये कह सके कि हाँ उसने बच्ची को देखा। और आखिरी बस स्टॉप अहमदाबाद, मेरे लड़के बोले किसी ने लड़की को नहीं देखा, बहुत फोटो घुमाई, एक टिप तक नहीं मिली। ये बस टिकट की कॉपी मुझे पहले दिन से खटक रही है, कोई मामूली से बस टिकट की फोटो कॉपी क्यों कराई? सबूत के लिए ना सर, कि उसने पैसेंजर के लिए टिकट खरीदी है। पर सबूत की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या उसे पहले से पता था कि लड़की के साथ कुछ हो सकता है और उसे पुलिस के सामने सबूत पेश करना पड़ेगा जो उसने झट से किया? सर उसे आभास हुआ होगा कि बच्ची को वो बस में अकेले बिठा रहा है, तो उसके पास प्रूफ होना चाहिए। नो वेरी, उसे कोई आभास भावास नहीं, उसने जो करना था कर दिया और ये टिकट बाकायदा प्लानिंग के तहत खरीदा गया ताकि वह साबित कर सके कि बच्ची बस में चढ़ा दी गई थी। अगर ऐसा हुआ हो तो इस प्लान में उस बस का कंडक्टर, ड्राइवर, ट्रैवल कंपनी का मालिक और वो रियाजपुर वाला लतीफ सब शामिल होंगे? ये सवाल तुम्हारे दिमाग के रडार में आए नहीं त्रिवेदी? सर जो सवाल मुझे जरूरी लगे मैंने पूछे दोनों पर। त्रिवेदी, बच्ची का कत्ल हुआ मालूम है और मेरा अनुमान गलत नहीं होगा, ये बात तुम्हें भी मालूम थी। बाड़मेर टीम गई है वहां पर, मुझे लगता है बच्ची की लाश को वहीं ठिकाने लगा दे। शमशेर, लियाकत, हमें लगता है कि तुम दोनों जानते थे कि लड़की मारी गई थी, क्या उसे यहां से कहीं ले जाया गया था? तुम दोनों की खामोशी काफी कुछ खुसर पुसर कर रही है, इस खामोशी को फोड़कर चीख चीख कर चिल्लाना आता है मुझे, सुनोगे अपनी आवाज? Thank you.
तुम लोगों को एक मार्बल रिप्लेस करना है, बाकी कासिम संभाल लेगा। समझे तुम लोग, चलो। देख कासिम, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, बाद में कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। मैं सब देख लूंगा। लड़की वापस नहीं आने वाली, मारी जा चुकी। जो मारे जाते हैं वो खुद के लिए इंसाफ की गुहार नहीं लगा सकते, उन्हें इंसाफ दिलाना हम जिंदा लोगों का फर्ज है। तुम जिंदा हो त्रिवेद? कौन है आप लोग? क्राइम ब्रांच जोधपुर। बता शमशेर, कहाँ है कौसर? कौन कौसर? ये क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे आप? इखलाक, आप इस कांड में शामिल हैं या नहीं है इस बारे में हम आपसे बाद में पूछताछ करेंगे। अरे मैडम, कैसा कांड, आप कुछ बताएंगी? आपके गार्डन में जो मार्बल बिछा है उसके नीचे एक लाश गड़ी है, उसे लेने आए हम। ये सही है, इसी को रिप्लेस करेंगे। शुरू हो जाओ। मैडम, मैं और मेरी बीवी तो उस वक्त घर पर ही नहीं थे जब ये सब कुछ हुआ। मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त अशफाक को ये काम दिया था, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं मालूम। एक लाख वो सब हम मालूम कर लेंगे। वैसे मैडम, ये लाश मतलब कौन है, किसकी है? तुम्हारे दोस्त अशफाक के घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी, 12 साल की बच्ची। आराम से संभाल के। हाँ हेलो, ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलेंगे, अभी बैठने को कहा। अरे पर हमारे कौसर। यास्मीन, क्या? अरे बताइए ना, बात क्या है? मैडम आपको दिखाई नहीं दे रहा है मेरे बच्चे की क्या हालत हो रही है? बच्चे के लिए कुछ चीज चाहिए तो बता दीजिए, मंगवा देंगे। और अगर आपके कोई लेडी रिश्तेदार है तो उसे भी बुलवा लो। लेडीज रिश्तेदार क्यों? देखिए मुझे अपने शोहर से बात करनी है। कहाँ है वो, बुलाइए उन्हें। इतनी आसानी से मारकर दफना दिया बच्ची को? सर मैं मारना नहीं चाहता, पर उसने मुझे मजबूर किया और मैं फंस गया। 12 साल की गरीब बच्ची ने ऐसा क्या किया था? जिद पर अड़ गई थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है। चुप, बिल्कुल चुप। क्या कर रही है राशिद, अभी तो सोया है। जब उसे बात करने दो, वो मुझे नहीं चाहेंगे या आप मुझे छोड़ने आएंगे, मैं और मार नहीं खाऊंगी। मार? मारा किसने? एक दो बार एक दो लाफे को मार कहती है, घर पे नहीं पड़ी क्या कभी? नहीं पड़े, इसलिए मुझे घर जाना है। एक काम कर, ईद तक यहीं पे रुक, उसके बाद भेज देंगे तुझे। नहीं, मुझे अभी के अभी जाना है। आप छोड़ने नहीं आएंगे तो मैं खुद से चली जाऊंगी। अरे कौसर क्या कर रही, क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने बोला ना ईद के बाद। एक बखेड़ा मत खड़ा कर, चुपचाप अंदर जा और सो जा। मुझे नींद नहीं आती और मुझे चुपचाप भी नहीं रहना। मुझे इस घर में कोई काम ही नहीं करना, ना राशिद का ना घर का। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मुझे अभी क्या मेरे घर जाना है। बाबा इतनी अकड़ है इस लड़की में। देख तू इस घर से तो तभी जाएगी जब मैं तुझे भेजूं। नहीं मैं अभी क्या भेजूंगी। अशफाक, ये क्या हो गया इसे? अशफाक ये सांस नहीं ले रही है, मार डाला तुमने इसे। ये भी खत्म और तेरी सारी शिकायतें भी खत्म। यहां भी मैं जिम्मेदार हूं। हाँ मैंने कहा था मार डालो इसे। तो और क्या करता मैं, तुम्हें मार देता या खुद को मार डालता। जिस तरह हमारी मार्बल की फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक कटर की आवाज होती है ना, मेरे घर में रोज वैसी आवाजें होती।
एक तरफ फरजाना की बकवास हुई, दूसरी तरफ इस कौसर का रोना था। बस उस रात दिमाग घूम गया मेरा। सर उस रात तो मैं वहां था भी नहीं। अशफाक भाई ने फोन किया, बोले ऐसा ऐसा हुआ है, अब क्या करें? देखिए राजपूत साहब, मैं आपके साथ मोलभाव नहीं करूंगा। आप जो रकम बोलेंगे उस पर डन करूंगा। कैश चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, जो चाहिए बताइए। तुम्हारा बच्चा बशीर और यास्मीन तुमसे तुम्हारा बच्चा मांगे तो जान के बदले जान। सर सर वो लड़की अब नहीं रही, ठीक है ना? कौन सा उसके घर वालों पर पहाड़ टूट गया, उल्टा खाने वाला एक मुंह का मुंह है। तुम दोनों भी नहीं रहोगे ना तो तुम्हारे घर वालों पर भी कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, बल्कि इस धरती का बोझ कुछ कम होगा। इस कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाकर केस को दबाने में हाथ बांटने वाली कई मुट्ठियां गर्म की गई। भरपूर पैसा खर्च किया गया था इस झूठी कहानी को रचने में। एक कौसर जिंदा थी और घर भेजी गई थी। आना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन अगर पुलिस आई पूछने तो तुम दोनों को मालूम है क्या बोलना और उस पर अड़े रहना। सब सेट है भाई, लेकिन एक बात है जो मुझे अभी सूझी। क्या? वो रियासपुर वाला लतीफ अब्बासी। तुम्हें बोलना कि तुमने रियासपुर में कौसर को देखा था बशीर के साथ। सवाल ही नहीं उठता शफाक भाई, ये तो बहुत बड़ा झूठ हुआ, बुरा फंसू हुआ। कैसे? मियां ईद का टाइम है, अगर मैं ये कहूं कि मैंने देखा है, मेरे अलावा तो और किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन हाँ एक काम हो सकता है। क्या? जल्दी बोलो। आज रात को आप मुझे फोन कीजिए और बोलिए कि आपने बच्ची को बस में बैठा दिया, मैं पुलिस के सामने यही सब बोलूंगा। झूठ के इस दिए को जलाए रखने के लिए पैसों का भरपूर तेल पिरोया गया था। सभी एक आवाज में कह रहे थे कि कौसर जिंदा है, जबकि सब जानते थे वो मारी गई है। क्या हुआ साहब, कहाँ है हमारी कौसर? माँ बाप ने आइडेंटिफाई किया सर, कौसर अंसारी ही है। चार्जशीट में एक भी लूप होल नहीं रहना चाहिए, मैक्सिमम सजा दिलानी है। बास्टर्ड्स, कैसे? आई मीन 12 साल की बच्चे के साथ कोई कैसे ये सब कर सकता है? सर आई स्ट्रांगली फील के इंस्पेक्टर त्रिवेदी ने कवर अप किया, हालांकि अभी इस वक्त उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत तो नहीं है, पर सर इस केस को दबाने के लिए इतने लोगों की मुठ्ठियाँ गर्म करी तो ये इम्पॉसिबल लगता है कि इंस्पेक्टर त्रिवेदी जो इस केस के मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्हें घूस ना दी गई। मैं उसके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर करता हूँ, अगर कुछ भी मिले ना उसके खिलाफ चार्जशीट में उसका भी नाम जोड़ देना।
अशफाक करीमी पर कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत चार्जेस लगाए गए हैं और सबूत मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत भी उसे चार्ज किया गया है। कासिम जाफरी और फरजाना करीमी पर आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस हैं। एक 12 साल की बच्ची बड़ी बेरहमी से कत्ल की गई, भयंकर तरीके से उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया। कानूनी किताब में यह सबसे बड़ा जुर्म है, मर्डर, हत्या। लेकिन इस केस में एक और जुर्म काफी पहले हो चुका था और वो है 14 वर्ष की नीचे की उम्र के बच्चे से मजदूरी करवाना। आर्थिक मजबूरियों की वजह से गरीब परिवारों के कम उम्र के बच्चों को अक्सर काम पर लगा दिया जाता है ताकि घर खर्च में थोड़ी राहत मिले। पर घर पर काम करने वाले नौकरों के साथ बदसलूकी हमारे समाज की एक शर्मनाक सच्चाई है। सब जानते हैं कि यह होता है, हर दूसरे घर में किसी ना किसी तरीके से होता है, घरों के बाहर भी होता है, जैसे कि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, पूरी सर्विस इंडस्ट्री में, जहां कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो वर्कर्स को उनके काम के लिए पैसा दे रहे हैं तो वो जैसे चाहे उनके साथ पेश आ सकते हैं। ये बेहद घटिया सोच है और इसका बदला जाना बेहद जरूरी है। कामगार को वेतन उसके काम के लिए दिया जाता है, उसकी निजी जिंदगी बिकाऊ नहीं है। वेतन देने से कामगार मशीन नहीं बनता और ना ही गुलाम बनता है। दूसरों की गरिमा का मान रखना इंसान की गरिमा का असली प्रतीक है। सीधा सा मंत्र है, सामने वाले से वैसा सलूक करो जैसा सलूक आप उससे चाहते हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।